नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो विषय है खेचरी मुद्रा, किस तरह से करते हैं खेचरी मुद्रा को, हम क्या करते हैं अपनी जीभ को मोड़ते हैं और तालू पर टच, इस तरह से आपको जीभ को ऊपर की ओर मोड़ना है और अपनी तालू पर टच करना है। मेरे को देख लें, मेरे को इस तरह से ले बैठे हुए हैं और जीभ को हम अंदर की ओर तालू पर टच करते हैं। तो साथियों, खेचरी मुद्रा, अगर हमारे किसी कारणवश अगर हमारी जीभ तालू पर टच नहीं हो रही है, तो जब आप सुबह पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के दौरान थोड़ी देर अपने तालू को धीरे धीरे यहाँ पर हल्के से टच करें, तालू को अपनी उंगलियों से टच करके थोड़ी देर वहाँ पर कुछ सेकंडों तक, 25-30 या 1 मिनट तक उस स्थान पर रोके रखें। तो साथियों, खेचरी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है, क्योंकि हमारे तालू से अमृत रस झरझर करके झड़ता है। तो कहने का अर्थ है, जब हम इस मुद्रा को करते हैं या इस क्रिया को करते हैं, टंग को टच करने वाली, अंदर की छोटी वाली टंग को, तालू को बिल्कुल टच करने की, तो वहाँ से अमृत रस हमें प्राप्त होता है, जो जीवन को अमरता प्रदान करता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप जब भी खेचरी मुद्रा करें, अगर आपकी जीभ टच नहीं हो रही है अंदर तालू पे, तो हाथ से अपने तालू को, उंगलियों को, जिस तरह हम कुल्ला करते हैं, गुंजल करते हैं, तो उस तरह से टच कर लें थोड़ी देर और उसको स्पर्श दें, तो इससे हमारे अंदर अमृत रस की उत्पत्ति होगी, जो हमारे पूरे शरीर को अमृत रस की महत्ता के साथ जोड़ेगी, अर्थात हमें अमरता प्रदान करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।